इस क्वेश्चन में आपके पास तमाम एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लीनियर फैक्टर्स हैं, टू टाइम्स है, थ्री ये तीन बार प्रोडक्ट है, वो चार बार का प्रोडक्ट है, तो अगर आप सिंप्लीफाई करने चलोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपली आप लॉग लेके आप सिस्टम प्रोडक्ट के सिस्टम को सम में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं और एक एक स्टेप करके हम आपको समझा देते हैं, एक्स प्लस फोर का होल क्यूब और एक्स प्लस फाइव का क्या हो जाएगा, पावर फोर। अब आपके पास तीन क्वांटिटी हैं, है ना, आप क्या करोगे, लॉग एम इंटू एन इंटू पी, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी हो जाएगा, है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि क्वांटिटी प्रोडक्ट में होती है तो सम में आ जाती है सेम बेस पे लॉग के। तो लॉग एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर का होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव की पावर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये पावर पीछे आ जाएगी, दैट इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो ये टू पीछे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका थ्री पीछे आ जाएगा और यहाँ पे आपका फोर पीछे आ जाएगा। अब ये जितना सिंप्लीफाई होना था हो चुका है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख देंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू टू बाहर कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, और फिर क्या हो जाएगा, थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ये एक्स प्लस फोर है, ठीक है, ये वाई लग रहा है सो फोर इस तरह से बना दे रहे हैं, और प्लस फोर टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ चूंकि लॉग वाई का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है नहीं, तो हमें इसे चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लॉग डिफ्रेंशिएट होगा, लॉग का क्या हो जाएगा, वन बाई वाई, फिर वाई डिफ्रेंशिएट होगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू टू, यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, लॉग डिफ्रेंशिएट होगा वन बाई एक्स प्लस थ्री आएगा, और फिर एक्स प्लस थ्री का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री। सोचिए थ्री कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन वन आ रहा है फाइनली, है ना, और वो वन इंटू में है तो इस वन से कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो ये वन हटा दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे करोगे आप तो थ्री वन बाई एक्स प्लस फोर आ जाएगा प्लस फोर बाई एक्स प्लस फाइव आ जाएगा। नाउ योर डीवाई बाई डी एक्स बिकम डीवाई बाई डी एक्स इज वाई टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, टू बाई एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री बाई एक्स प्लस फोर एंड प्लस फोर बाई एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। लेकिन y आपका था क्या, y एक लंबी सी चौड़ी सी एक्सप्रेशन थी, आपकी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, वैल्यू प्लेस कर देंगे आप यहाँ पे, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ठीक है, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर x प्लस फोर का होल क्यूब और हो जाएगा x प्लस फाइव की पावर फोर हो जाएगा। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।